नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पर। जैसे कि दोस्तों कल रात को आप सभी को पता है CGPAT का रिजल्ट जो है लॉन्च किया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उस बटन पर क्लिक करके जो है आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिए हो और आपका जो है सीरियल नंबर ही आपका जो है ओवरऑल रैंक है, ओवरऑल रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है, कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, कौन सा रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दोस्तों आपको CGPAT और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रिलेटेड समस्त जानकारी आपको दिया जाता है। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको नए अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो कल रिजल्ट देखे हैं अपना और उसका रिजल्ट अच्छा खासा नहीं आया है, तो वे स्टूडेंट एक बार हमारे नोट्स से स्टडी करें। हमारे नोट्स से मात्र आपको 350 में हमारे नोट्स आपको सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप में, जिससे स्टडी करके आप जो है अच्छा खासा सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कल हमें जो अपना रिजल्ट सेंड किए हैं, बहुत से स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा खासा स्कोर और ओवरऑल रैंक बने हैं। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है अभी आपका काउंसलिंग पर ध्यान दें, काउंसलिंग है तो सभी डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि कौन सा रैंक में कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो है ये मेरिट लिस्ट रैंक कंबाइन मेरिट लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यही चीज़ है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रैंक कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिया गया है। रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो, सीरियल नंबर ही आपका जो है ओवरऑल रैंक है और इधर जो है आपका स्कोर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है बात करते हैं कौन से स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों टॉप चार कॉलेज की बात करते हैं, टॉप फोर कॉलेज में आपको जो है अच्छा रैंक होने पर ही एडमिशन मिलेंगे, बाकी इसके नीचे के जो कॉलेज है उसमें दोस्तों आपका जो है काउंसलिंग फॉर्म में कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाता है। तो मान के चलो ऐसा स्टूडेंट जिसका एक रैंक से लेकर 100 रैंक तक जो है ओवरऑल रैंक 100 तक बना है, तो उन लोग को दोस्तों आईजीकेबी आराम से मिल जाएगा। आईजीकेबी उन लोग को फिक्स है। फिर दोस्तों यही बात आगे करते हैं, एक रैंक से लेकर 200 तक जो है स्टूडेंट को एक तो IGKB मिलेगा और दूसरा बिलासपुर BTC कॉलेज मिलेगा। फिर वही दोस्तों एक रैंक से लेकर 300 रैंक तक बात करते हैं तो यहाँ पे अंबिकापुर आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में स्टूडेंट को ये डिसाइड करना है उसको कौन सा कॉलेज में जाना है। अभी दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आया है इसके 2 से 3 दिन या 4-5 दिन बाद आपका CGPAT का काउंसलिंग फॉर्म भराएगा। काउंसलिंग फॉर्म दोस्तों सभी को भरना है, ऐसे स्टूडेंट जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है काउंसलिंग फॉर्म जरूर भरे। अगर आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरते हैं और आपका रैंक बहुत ही अच्छा खासा क्यों ना हो, फिर भी दोस्तों आपको जो है कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज में अलॉट नहीं होगा, तो आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना विशेष ज़रूरी है। काउंसलिंग फॉर्म किस डेट को आता है, कैसे क्या करना है, कंप्लीट जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल एग्री विश्वास पर मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहले स्टूडेंट को क्या करना है। तो पहले स्टूडेंट को कंफर्म करना है कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैं देख सकते हैं, ओवरऑल रैंक 12 है, नाम है अमन, OBC से है, इसका जो है स्कोर 135 है। तो ये स्टूडेंट को जहाँ चाहिए वहाँ कॉलेज मिल जाएगा। जो दोस्तों अभी सीधी सीधी बात दोस्तों मैं करता हूँ, एक रैंक से लेके 100 रैंक तक के स्टूडेंट को अगर चाहिए कि उसे IGKB में जाना है तो IGKB मिल जाएगा। एक रैंक से लेके 100 रैंक से लेके 200 रैंक तक के स्टूडेंट को अगर चाहिए कि मुझे बिलासपुर ही जाना है तो बिलासपुर कॉलेज मिल जाएगा। 200 रैंक से 300 तक दोस्तों अंबिकापुर जाना चाहता है तो अंबिकापुर कॉलेज से मिल जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिसका रैंक बहुत ही अच्छा खासा है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कुछ नीचे आ जाता हूँ ताकि पता चल सके। दोस्तों यहाँ पे मान के चलो एक स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का पहले हम देखते हैं, जनरल में एक आदित्य पटेल करके हैं, इसका जो है 148 ओवरऑल रैंक है और इसका जो है स्कोर जो है 120.915 है। तो ये स्टूडेंट को अगर चाहे कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो है कैंपस में एडमिशन लेना है, तो ऐसे में स्टूडेंट को जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका रैंक ओवरऑल रैंक कुछ 148 आसपास है। तो कॉलेज प्रेफरेंस में यह फर्स्ट में रायपुर डाले, दूसरा बिलासपुर, तीसरा अंबिकापुर, चौथा जगदलपुर। ये जो शुरू से लेकर एक रैंक से लेकर 400-500 रैंक तक स्टूडेंट जो है यही सिक्वेंस में डाले, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, ताकि दोस्तों बेटर से बेटर कॉलेज मिलने की संभावना हो। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो है 148 जो है अदिति पटेल, ऐसे स्टूडेंट जो है बिलासपुर कॉलेज इसके लिए फिक्स हो सकता है या फिर अंबिकापुर कॉलेज फिक्स हो सकता है। और दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो बात करते हैं अब अच्छे रैंक को लेते हैं कुछ, तो
तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 61 नंबर जो है मुकेश पैकरा जो स्टूडेंट है एसटी कैटेगरी का है, तो ये स्टूडेंट का 126 स्कोर है। तो स्टूडेंट आईजीकेबी में भी अपना एडमिशन करा सकता है, बिलासपुर में भी करा सकता है, अंबिकापुर में भी करा सकता है। बस आपको कॉलेज प्रीफ्रेंस में जहाँ आपको अच्छा लगे वो कॉलेज प्रीफ्रेंस को आप जो है उसको ड्रॉप करके ऊपर देना है। आपको काउंसलिंग फॉर्म भरते टाइम सभी कॉलेज का लिस्ट दिया रहेगा, टोटल 30-45 कॉलेज के यहाँ पे लिस्ट दिया जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। तो आपको जो है नीचे जो ऊपर साइड रहता है दोस्तों, जैसे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, इस टाइप का जो कॉलेज है ये जो है बेस्ट कॉलेज कहलाते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे जाते रहोगे, वैसे में आपको जो है कॉलेज में थोड़ा लो कैटेगरी, लो परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ऐसा स्टूडेंट जो मैं बात करता हूँ मुकेश पैकरा, अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर हमसे व्हाट्सएप में मैसेज करके बात कर सकते हो। तो 61 नंबर जो 61 रैंक है मुकेश पैकरा, ये स्टूडेंट अगर चाहे कि मुझे अंबिकापुर कॉलेज चाहिए, मैं अंबिकापुर से हूँ, मेरे बगल में कॉलेज है, तो मैं अंबिकापुर में पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट के ही मन में डाउट रहता है, सवाल रहता है कि मैं मेरा पास वाला कॉलेज में जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको कॉलेज प्रिफ्रेंस में जो कॉलेज का लिस्ट होता है उसे मैं आपको मान के चलो आपका 5वां नंबर पर आपका कॉलेज आ रहा है, आपके बगल में है वो कॉलेज, तो आप जो इसे ड्रॉप करके जो है ऊपर ले आ सकते हो। कंप्लीट जानकारी दूंगा दोस्तों काउंसलिंग टाइम, अभी आपको जो है समथिंग बता दे रहा हूँ कि कॉलेज, बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरा इतना रैंक है मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसे में कॉलेज मिलने का पूरा दोस्तों सभी कुछ जो है काउंसलिंग के ऊपर है। काउंसलिंग में जो कॉलेज प्रीफ्रेंस लिस्ट भरते हो उसी के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। जिसका अच्छा रैंक आता है उसको अच्छा रैंक कॉलेज में दे दिया जाता है, अगर वो कॉलेज प्रीफ्रेंस फर्स्ट में अच्छा डालते हैं तो उसे अच्छी जगह चल जाते हैं। और दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिसका रैंक अच्छा है लेकिन वो अपने बगल में अपना जो है आसपास के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे कोरबा के स्टूडेंट जो है कटघोरा में एडमिशन लेना पसंद करेंगे, तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो है कटघोरा को जो है प्रेफरेंस फर्स्ट में डाले। तो दोस्तों बस ऐसे ही आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना है, काउंसलिंग फॉर्म 2-4 दिनों में ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन हो जाएगा हम आपको बता देंगे। काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए 10वीं 12वीं, निवास, जाति, आय, कृषक प्रमाण पत्र अगर हो तो, अगर कोई सैनिक वर्ग से है तो वो हो जाएगा, और कोई दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना, इस टाइप का दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो बहुत से स्टूडेंट जो पूछते हैं कि टीसी लगेगा कि नहीं, तो दोस्तों अभी टीसी नहीं लगेगा, ना ही दोस्तों अभी आपका माइग्रेशन लगेगा, ना ही दोस्तों आपका जो है गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और ना ही अभी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। पूरा जो है यस इतना सारे जो डॉक्यूमेंट है ये सब डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज में आप जाओगे 10-15 दिन कॉलेज में रेगुलर पढ़ने के बाद आपको कॉलेज की ओर से ही मांगा जाएगा कि आप जो है अपना ये डॉक्यूमेंट जमा कर दो। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है पहले अपना काउंसलिंग फॉर्म भरना है। काउंसलिंग का कंप्लीट 4 स्टेज होता है, काउंसलिंग का चारों स्टेज के बारे में बताऊँगा, पहला स्टेज के बारे में, दूसरा स्टेज, तीसरा और चौथा स्टेज के बारे में सभी। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सेल्फ फाइनेंस सीट क्या होता है, तो सभी कॉलेज में जो है 10 सीट जो है सेल्फ फाइनेंस सीट रहता है, जिसमें एडमिशन के लिए आपको रैंक नहीं देखा जाता है। बस दोस्तों आपके जो है आपके पास पैसा होना चाहिए, मान के चलो 50,000 पर सेमेस्टर आपको अगर दे सकते हो तो आप जो है कोई सा भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। 50,500 आपका पर सेमेस्टर फीस लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन होने के लिए। सेम चीज़ रहेगा, सेम चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, सेम चीज़ अदर स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, सेम सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, रिजल्ट वगैरह कोई दिक्कत कहीं पर कोई इशू नहीं रहेगा, बस आपका जो है फीस कुछ ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिसके पास अच्छा खासा फीस है उसका पेरेंट्स जो है फीस को पेमेंट कर सकते हैं, दे सकते हो। स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस सीट में रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का कैंपस में भी एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे 10 सीट है। बिलासपुर में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे 10 सीट है। अंबिकापुर में एडमिशन ले सकते हैं, जगदलपुर में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है अभी एडमिशन लेने का प्रोसेस, कंप्लीट जानकारी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्रविश्वास।